भाई हिलाओ मत चेयर, चेयर हिलाओ मत। टेका मत दे देना, फिर मिलेगा। तू खड़ा वीडियो लिया बस। एक कैमरा नीचे लेके आ गए पूरा। यही कौन ऐसा चोट लगा के भेजा ऊपर जाइए। रोहित किधर है? गाना हो गया यार, पहले तो ये लंबी लड़कियां थोड़ी पीछे बस। ए दुर्गा नीचे ले, दुर्गा नीचे ले। सेंटर 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 सेंटर। शिव भाई, शिव भाई। अरे अरे ये भी अब्दुल भाई। दुर्गेश कैमरा आ रहा है। हीना सब है क्या? अब तो शिव के पास सामने देखिए सब लोग। हेलो प्लीज सेंटर सेंटर। शिव के पास सेंटर सेंटर सेंटर। यहाँ सड़े। हेलो एक्सक्यूज मी। अब तो सामने everyone look to your left please. Dino bhai left please, itna pyar kaise kar lete ho left. Okay and now keep moving all the way to your right. Okay guys, yes yes look here look. Where? Here yeah yeah yeah. Excuse me, center, center. Shiv, center, please. Yes. Shiv, color diya. Center, center, please. Dada, dada, center. Hello, center. Khatron Ke Khiladi ne colors mein dal di. Center, please, center. Okay. Please, yaar, kabhi nahi ne drama. Sorry, yaar. Center, yaar. Cape Town se. Come on, guys, the power. Hamara power mein dal. Kya aage jo समोर रुकत नाही कोणाला, शांत सेंटर सेंटर शिव 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 सेंटर। अर्जुन क्यों? शानवाटी मत कर। सॉरी। ओह सॉरी। ओह सॉरी। आप क्यों? थैंक यू। चलो। ये छोड़ना रे। इसको ज़्यादा ही है। सुबह हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। ना सुनेंगे। आप बोलो बोलो। अब बाइट नहीं होएगा, ये बाइट नहीं होएगा। हाँ नीचे दुर्गेश पीछे आ जाओगे यार, मोबाइल नीचे लेना भाई तू। First time I go Khatron Ke Khiladi, really I loved so much, so excited, little scary. I've been inside of glass of box, like 100 snake. I'm so much scared. 100 cockroach, snake, little scary. No, this is good for become strong. I loved. I is so much excited. I loved. Is your wild card? Are you a wild card? No, I've been a guest. Okay. Yes. As a guest, you have also entered the Big Boss. Yeah. How was your experience inside the Big Boss house? What did you learn? Big Boss house. I've been in Big Boss house second time. I loved little become change. Also new people. These people have to make little something. People are so much excited. A little boring. No, doing good. People doing good. We like it. I love it so much. Also, I see Salman Bhai. I'm so much excited. I love. Adu, tell us something about which stunt you have performed and what is your fear? In fear factor. Yes. In fear factor, I did first stances inside of glass. I've been in box of glass, 100 snake. Second, I did like cockroach, these things small. I'm so much scared. Third, I've been in helicopter. I'm down of helicopter, throwing inside water. I did 3 tasks. Stunts. And even Shiv was also there. Tell us something about your reunion with Shiv. First task we did, first stunts we did, me and bro Shiv and also bro Arjit. After I win in 3 minutes, bro Shiv win in 4 minutes 30, bro Arjit 6 minutes. No. Yeah, I win. Yeah. Okay. Done. चलो. इसकी चेयर नीचे करना, इसकी हाइट ज़्यादा. इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये नको ना ऊपर कर. Enough, please. हाँ ये ना खाली तरफ जा, इसको नीचे करो, इसको हाइट ज़्यादा. हाँ खतरों के खिलाड़ी 13 सीजन क्वेश्चन. नहीं कलर्स की कुछ भी नहीं, सिर्फ खतरों के खिलाड़ी. कलर्स का खतरों के खिलाड़ी ठीक है. चलो ठीक है. रेडी गाइस. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. जिस तरह का सफर आप लोग का साउथ अफ्रीका केप टाउन में रहा है, एक अमेजिंग सफर हमने देखा है सोशल मीडिया पे. क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? शुरुआत आपसे करेंगे. हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? इंग्लिश, क्योंकि दोनों ही थे. गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है. दोनों भी थे. जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स. शिव को बोलना है. मैं चुप है प्लीज. नहीं शिव को बात नको. लेडीज फर्स्ट. तू सांग. नहीं चल ना, तेरा अच्छा. हाँ तो जर्नी बहुत अच्छी रही. मज़ा. आई थिंक इट वाज अ मिक्सड ऑफ इमोशंस. मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है, लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे है इन लोग के, नहीं हम लड़कियों ने, बट मज़ा आया। प्लीज मैम तुला बगुन बगुन गेलो या दंगून उन्हात चांदण झाले, ओरीला मराठी येते, वर्ष लय अंगात आलो या रंगात तुझ्यात गुणतुण गेलो या माझ्या उरात धडधड कशी होती या फडफड। वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी, मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए, और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं, और इसका मतलब ये हमारे सीज़न की शायर थी, और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था। तो इसके लिए अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है। ये शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है, तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर के, लेकिन किया है ना, बिल्कुल किया। पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी। ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके जीत के आई तू, कहाँ जीती हूँ सोनिया, स्टंट तो जीती है ना। इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं, आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते का पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला। देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है, तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो डेज़ी ने मेरे मिटन्स शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेज़ी के लिए, मिटन्स से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेज़ी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेज़ी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जिस बाजू में इसका कमरा था, तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेज़ी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पहुँचे ऐसे। कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ, और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है, देखती हूँ शिव वो मेरे को रेली स्प्रे देता है, तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में। शिव और डेज़ी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है, सडनली आपकी शक्ल से भी वो फिटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है, फिजिकली ज़्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली। हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊँगी, वो मैंने कर लिया। जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ, मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन तो तेरा है किस पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं करूँगी, मैं कैप्शन लगाऊंगी मैं। मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते, हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया, वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है। बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं, हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है, और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता, रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेर काकून देता थे। आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में, डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था, आप पागल हो जाते। तारीफ कर रहा हो ना तुम, दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ। बट एक बॉयज का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियाँ ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं और हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता है नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं बहुत कुछ आया है सीजन में, यू नो उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहां पर स्टंट करने के बाद, यू नो कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? नहीं, एक पॉइंट एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके, एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़ें और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 days हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जम किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू, लव यू। हाई रोडीज में देख के मजा आया। इधर केप टाउन, हम भी तुम लोग का बना ले कुछ। हाँ चालू रखो भाई, नहीं होगा समीरा नहीं एक्चुअली नहीं। गाइस स्टार्ट प्लीज। हां रेडी है, क्या रेडी है? रोल 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 रोलिंग। ये पीछे नायरा पोज करती हुई जो खड़ी है, चलेगा? हाँ भाई शुरू हो जाओ। सॉरी क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आप लोगों की जर्नी, कौन है ये बोली? लेडीज फर्स्ट। यस अंजलि, लेडीज़ फर्स्ट पे एक्सप्रेशन था और किसी चीज़ पे नहीं, बट एक्सपीरियंस बहुत। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अभी आप ही नहीं सुन रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? फ्रेम खराब हो रहा है उसका, लुक लुक सेंटर ये इधर देखिए। बट द जर्नी वाज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मज़ा आया। आई नो, या बोलो। नीरो आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनसे भी पूछा था, मेरा नाम लिया, सबने आपका नाम लिया। मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल के नाम। आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना तारीफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊँ तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइचे सब एक दूसरे के पीछे, तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के साथ में बैठूंगा, इन लोग यू नो कितना इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं। बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये, और बहुत बड़ी बात आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है मैं बदल गया एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया ये सब तो होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना। मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो। इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम। सर आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, तो अभी आपकी 50 डेज पर आपने कैसा रैप सोचा कि यार बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप क्या रैप लिखा है भाई इसने, क्या रैप बनाया है केप टाउन। मैंने लिखा था सोच रहा हूँ एकदम थोड़ी आया था क्या था क्या देख रहा हूँ हाँ, मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बेटे Cape Town। दिनू हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो के रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शो जीत हार का है नहीं। मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूंगा यार, ये तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब यार इस नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता, आई स्वेयर नहीं आता। आप अगर और मैं इसे बच्चों मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं है फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा। हम दोनों ने स्टंट किए, एक स्टंट में मैं जीता हूँ, एक स्टंट में जीता है, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई। मेरे को लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया मज़ा आया करके। तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है। तो अर्जित एक्सपीरियंस आप बताइए कैसा रहा आपके लिए? यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स। मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। इतना कुछ किया है, इट वाज मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप एंड यू आर पेड टू डू ऑल ऑफ इट। यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 स्टंट्स, मतलब इट्स आई स्टिल कांट गेट ओवर इट। मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि कह रही थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा और मैंने भेजा स्टोरी भी डाला, मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है। सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। केप टाउन मैंने टैटू करा लिया भाइयों, ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया। सो दिस इज टेबल माउंटेन, जो केप टाउन के एक बहुत बड़ा बॉडी क्वालिटी एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन टूरिस्ट बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ। सो तो शरीर पे गुदवाना मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना। और डीनो वाज द ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे। डीनो अकेले घूमने जाता था, कहाँ जाता था हमें कोई आइडिया नहीं। केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं, तो वहाँ के लोकल अगर मेरे को बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा। तो मैम आपने कितना मस्ती किया, मतलब किसके साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग रही? बॉयज ग्रुप के साथ? ऑफ कोर्स बॉयज ग्रुप के साथ। अंजलि यार, अंजलि इज अ ब्रो। हर सीजन में कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी की डांट मिलती है, इस सीजन में कौन है वो ऐसा कंटेस्टेंट? ये बताया अर्जित, अच्छा बताता है। आई डोंट थिंक किसी सब सवाल के आंसर ही मस्त देता है, सारी गॉसिप यही से आ रही है। नहीं बट जेन्युइनली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें। हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है, बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी। बट और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है, करना है यार, उनको पता है आप कर सकते हो पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। हाँ नायरा को एक बार डांट पड़ी थी, नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की और स्टंट टीम की, तो उसको एक बार अच्छा नायरा यही है, सब कुछ सुन रही हूँ। मुझे भी पड़ी थी, वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते यार। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा मिला। और सॉरी मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या लोगों को डांटती है। शुरू मुझसे हुआ था, शुरू डीनो से डांट रही है। हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं पता आप थे केप टाउन में। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? करंट। कहना क्या चाहते हैं? दिनों टॉप 3 में नहीं है, चॉपर आते थे में तो अभी ठीक है। मेरे एक सेकंड पहले उसको जवाब तो देना दो। क्या सॉरी, सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था जो डायनामिक्स और हल्ला करोगे यार तुम थोड़ा आवाज एक मंडली, सो वो एक तरफ था। और करंट स्टंट मैच मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था, पता नहीं अर्जित ने 2-3 बार किया, उसने पता नहीं कैसे किया, और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसको। लेकिन क्या 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 ऐश्वर्या का थ्रेशोल्ड अच्छा था करंट। ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है। वो करंट झेल लेती थी यार। क्या करूँ अच्छा ब्रो करना भाई बोल रहा था पार्टी नहीं दी आपका, मुझे भी नहीं दिया, सबको साथ में थैंक यू। अच्छा लिया नेक्स्ट थ्री आ जाओ गर्ल्स। हाय गाइस शांति 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 आवाज नहीं भाई। नायरा बनर्जी फॉर यू ऑल, ऐश्वर्या फॉर यू ऑल, रश्मि कौर, गिट्टू गिट्टू आपके आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या हम खुद ही जवाब देते जाएं? किसी ने नहीं किया, किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है, ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, एक दो बारी किया होगा, ट्राई करने के बाद अबॉर्ट, ट्राई करने के बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है। यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं, 80 to 90% नए स्टंट्स हुए हैं, जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट करना, मतलब बहुत ठंडा नहीं था, सीजन बहुत गर्म था बट ठंड बहुत थी, तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हवा इतनी तेज चलती है कि आप बैठे हो और आप ऐसे हिल जाओ। 60 किलोमीटर पर एक दिन में चार मौसम देखे हमने, या एक दिन में चार मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी, तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस था। प्रोमो आउट जहाँ पे बताया कि आप सबको डांटते हो, टीचर नहीं है, टीचर दीदी, अरे यार पार्टनर स्टंट था और इसको पता था कि कैसे करना है। नहीं बिल्कुल नहीं पता था, नहीं इट्स लाइक वेट आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ, तो एक्चुअली दिख नहीं रहा था वो, बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था, तो डीनो ऊपर था मैं नीचे थी और वो सीसॉ था पानी के ऊपर, तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था लेफ्ट राइट ये वो, तो वो भी नहीं सुन रहा था मैं भी नहीं सुन रही थी, हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था, तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में, तो वो भी चिल्ला रहा मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई ज़्यादा तो मेरा नाम चिल्लाना आप प्रोमो में देख सकते हो, तब से टीचर बन गया, चुप कोई नहीं बोलेगा चुप कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है, मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा गा के, और उसके बाद डीनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर हैं मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन, सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है, और ऑल आर वेरी यूनिक, वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। हो गई अपनी तारीफ, सवाल पूछिए। सवाल लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे, तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहां से? बहुत सारी चीजें। मैं बताऊँ, नायरा मेकअप लेकर आई है उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं, वो मेकअप लेके आई है बहुत सारा, स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने। मैं वेट कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उसके लिए, अफ्रीकन लायन लाई हूँ, वो सॉफ्ट टॉय, मैंने टैटू कराया वो लाई हूँ, आई ऑल्सो गॉट अ टैटू, इट्स कॉल्ड डांस बार। रोक के दिखाई फोटो लेना, ऊपर कीजिए। डांग बार, इसका मतलब डांग बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू, सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में इसको बनवाया है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल, तो मज़े आ गए। आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है और हम सबके बॉन्ड के लिए। अच्छा बता दो मेरे को। किसी ने नहीं किया इस बार का अवार्ड ट्राई करने के बाद सबने ट्राई किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड अवार्ड मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी ट्राइड। सब सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लग रहा था आप लोग वैकेशन वहां पे मना रहे हो। हां वो देख के हम ठंड का वैकेशन मना रहे हैं। वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हमारे पास फोन नहीं होता वहां। गाइस हम वही दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही दिखता है। सुबह 5:30 बजे हम रोज उठते थे, नहीं और जल्दी 5:30 सवा 5 इसके अराउंड। फिर हम 6 बजे बस में सारे बैठते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर हमारी लोकेशन। उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है, स्टंट पे स्टंट, बैक टू बैक, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स ऑल रियल। बट उस ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट को भी इतनी खूबसूरती से जो हमने जिया है, क्योंकि वो केप टाउन था, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर हैं और इसमें हम सब मिले और हमारा बॉन्ड बना, परिवार बन गए हम। तो आई थिंक ये आपको देखना बनता है, ये आप सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो और हम भी बहुत खुश होने वाले। मिस कर दिया कौन सा वाला? हम दोनों ने एक अच्छी सी डाइट भी फॉलो की थी। कौन सी वाली डाइट? कॉल बनाना डाइट। हमारे हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में, ताकि 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 एनर्जी मिले, क्योंकि क्या होता है कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है और आप अगर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और वो रोहित सर ने निकाला था इनके पॉकेट में से, क्योंकि इन्होंने पीछे छुपा के रखा हुआ था। तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता, यहाँ पे केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग। तो मजे आए। यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी, उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है। सबको बहुत ज़्यादा लगी है। इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे और वो कट्स लग गए थे। इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था। कुत्तों ने काटा था इसको और मुझे। तो बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है कहीं ना कहीं सबको। अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए हैं, बट वो उनके खुद की वजह से। आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट। हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पूरा रखते हैं वहाँ पे, बट अगर हम मिस्टेक करेंगे तो इट्स योर फॉल्ट ओनली। सो या ऐश्वर्या, आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप नील को देखकर। अरे आपने वहां नहीं, अगर सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत, पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे। मैंने अरे बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ। और उसके बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज़ मैंने सुनी, इतने मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज़ गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई। उसके बाद तो आई लाइक अरे यार मैं क्या करूं। तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। हे भगवान, बिग बॉस आप जवाब दे दो, मुझे नहीं पता। I don't know. Seriously. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. चलो। Oh my God. चलो। निकलो। हाफ बम निकाल के रखने दो मेरे को। चलो। ऐसे। चलो। सोलो कर लो। नहीं पागल है क्या, मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं रे बाबा, आओ यार, आओ। वो अर्चना नहीं आ रही है तो 2 लोग का कर लो। आजा। वेरी गुड। अर्चना जी बाद में अकेले करेंगी, कि वो अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। आर वी वेटिंग फॉर अर्चना जी? वी कैन स्टार्ट। चलो हाँ जी। सर जैसे शूट आउट लोखंडाला में आपको एक अंदर पट्टू करके कैरेक्टर दिया गया था, अभी आप खतरों के खिलाड़ी के अंदर, तो क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो जो मेरा टिक करना है मेरे को, मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कुछ लग ना जाए, ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद देयर बॉडी बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी इन लव। हम चुप रहेंगे। हाँ या लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, ये एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था और वो टेलीविज़न पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज़्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर तो है यहाँ पर। हाँ तो क्या इसलिए तो मैं इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू, ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था और मैं इनको देख रही था, डटे हुए थे, हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज यू नो चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में और ये करे जा रहे और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया, क्या अच्छा किया। हाँ, ये और ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। अरे नो लाइक इन नाइस वे। हां इन नाइस बट या बोलना तो नहीं है। हां हां बोलना बिंदास है। बहुत एक्सपीरियंस कुछ अगर आप शेयर करें। आई थिंक इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। इट एटलीस्ट फॉर मी इट हैज मेड मी मोर हम्बल बिकॉज मैं बहुत ही हाइपर पर्सन हूँ। अब ये शो ने मुझे समझा दिया है कि यू नो वट एवर यू डू थिंक एंड देन डू इट बिकॉज स्थिरता जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शो इज़ लाइफ चेंजिंग। आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछो, आप दोनों बता दीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, लेकिन नहीं यार नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दूँ उसके बाद मैं जवाब दे दूँगा। नो नो आई विल टेल यू। बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजाद से बहुत क्लोज हो गई and there are two people who kept in touch with me, one is him and second is Shehzad, so I just got a little more closer to Shehzad. और it's very amazing that she's given this answer क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शेज़ान से बहुत क्लोज हूँ। शेज़ान से मेरी मुलाकात जब हुई तब obviously मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, whatever he's gone through in the last 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माई हार्ट रिजर्व फॉर हिम व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए। ही इज दैट नाइस पर्सन। तो वही लाइक शी सेड के बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शेज़ाद इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में? लड़कियों में सिर्फ तू है। क्या अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली बिकॉज नॉट बिकॉज ऑन कैमरा हर दिन स्पेशल होता था यार, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया हेलीकॉप्टर वाला चॉपर वाला स्टंट, वो दिन वो मोमेंट वो मौका वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी, और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था। तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट वो बहुत स्पेशल था। हम जब पहले इंटरव्यू करे किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसी चाहिए? सर यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी हूँ। मैंने भी वही कहा था एंड ट्रस्ट मी इट हैपेंड। मुझे लगा ओ माय गॉड सरस्वती वाज सिटिंग ऑन माय टंग, बिल्कुल। बट यू नो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर विद मी बिकॉज जब मैं वो लटकी हुई थी इस चॉपर पे, डीनो मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी ओ माय गॉड लुक एट द व्यू। मैं गाने गा रही थी, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मेरी तो फटी पड़ी थी, मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी बिकॉज यू नो इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। So that moment is going to be there for me till the time something bigger happens in that. अच्छा, आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने। आप जब मिलकर देखते हैं तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नज़र आएगी। सुनो, मैं बहुत रोती हूँ मैं बहुत रोती हूँ मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई क्राई टू मच। तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में, गार्डन में बहुत अच्छा मिलेगा यार, जैसे ही रोएगी ना 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 नो नो नो, आई जेन्युइनली क्राई टू मच। वो बोलेंगे यू लोग, वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे, तो क्या बात करनी, आई एम टू प्रिटी फॉर रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहाँ से? बिल्कुल, पानी का डर खत्म हो चुका है। और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू।